would you tremble if I touch your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सज्जाद सरदार और आप देख रहे हैं सज्जाद सरदार यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो है वो हसाम बलोच हैं, असाम बलोच, सॉरी माज़रा चाहता हूँ, असाम बलोच और अबूज़र बलोच तो मेरे पास आए हैं असाम बलोच जी। असाम, आप किस सिलसिले में यहाँ आए हैं? मैं सरदार भाई, बहुत टाइम से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, कनाडा से मैं यहाँ से यहाँ इतनी दूर आया हूँ और आज खासतौर पे मुझे इस जगह पे आना था कि मैं आपसे पर्सनली मिल सकूँ। अरे सर, थैंक यू। मैं यही ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ, आपने तो आके मुझे बता दिया, लेकिन मैं ऑडियंस को भी बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ, मैंने बोला ना भी कि आप यहाँ किस सिलसिले में आए, तो मैं यही लोगों को बताना चाह रहा था कि आप माशाल्लाह से मुझसे मिलने आए। और आए कहाँ से हैं? कनाडा से। आपकी रहाइश कनाडा में है? कनाडा में। आप मेरी वीडियोस वगैरह देखते होंगे? जी बिल्कुल, है ना जी। तो फिर आपने जैसा मुझे भी बताया कि मेरी ख्वाहिश थी मैं आपसे मुलाकात करूँ, एक चाहत होती है, एक चाहत होती है और वो आई थिंक एक म्यूजिशियन की उसको समझ सकता है, म्यूजिक से रिलेटेड जो होता है, आप जो गाते हैं वो लैंग्वेज एक म्यूजिशियन को ही समझ में आ सकती है। वाह वाह, बिल्कुल हकीकत है, सही है सही है। और आप, मुझे पता है कि इट्स नॉट योर बिजनेस, इट्स योर पैशन व्हाट यू डू। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर मैं होता तो आपसे सबसे बड़ा स्टूडेंट मैं होता। हाँ, पाकिस्तान में होते तो आप बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा नाज़रीन, ये आपने देखा कि ये रहते कनाडा में हैं और आए मुझसे यहाँ पाकिस्तान में, मुझसे मिलने आए हैं। इसकी वजह सिर्फ एक ही है, मैं कोई इतना लैंडलॉर्ड आदमी नहीं हूँ, मैं कोई इतना बिजनेसमैन आदमी नहीं हूँ, वजह सिर्फ एक ही है, म्यूज़िक, सुर। ठीक है, उस म्यूज़िक ने खींच के मेरे पास लाया, ये मेरे पास आए। तो जब ये आए हैं तो क्यों ना ज़रा जो इनके पास स्किल है, जो इनके पास टैलेंट है, वो भी दिखा दें आपको। क्या ख्याल है असाम? मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, जो आप जो कनाडा में गाते हैं, जो भी आपने मुझे सुनाया था, वो सुना दें। बाथरूम में गाता मैं, वो सुना देता। अरे सुनाइए सुनाइए। नाज़रीन, मैं तो चलो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, मैं स्टेज लाइव करता हूँ, वीडियोज़ वगैरह करता हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ। लेकिन असाम ने मुझे बोला कि मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेरा एक शौक है, मेरा एक पैशन है, वो अंदर, रूह के अंदर होता है। तो वो आज हम सामने निकलवा रहे हैं, तो उसमें कोई गलतियाँ हो जाएँ उसको दरगुजर कीजिएगा, ठीक है? अपनी मोहब्बतें हमारे साथ रखिएगा जी। असाम, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। अरे आपके सामने ये गाने, बिस्मिल्लाह, कोई ऐसी बसात नहीं है लेकिन दिल में कोशिश करता हूँ। ये वेस्टर्न सिंगर एनरिके इग्लेसियस का एक सॉन्ग है। किसका गाना? एनरिके इग्लेसियस। नहीं समझ आया मुझे। एनरिके, एनरिके, अच्छा ठीक हो गया। आप भी कोई शौक रखते हैं? साथ ही हैं इनके, माशाल्लाह जी। देखा नाज़रीन, सुर में कितनी ताकत होती है, ठीक है? आपको अंदाज़ा हो गया क्योंकि रहते बंदा कनाडा में है और यहाँ पाकिस्तान में और भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उनसे जाके स्पेशली नहीं मिले, ये स्पेशली मुझसे मिलने आए हैं यहाँ पाकिस्तान में ना, कराची में। तो असाम में आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका आपकी खिदमत नहीं कर पाया जो मुझे करनी चाहिए, क्योंकि आप मेरी मोहब्बत में यहाँ आए। आजकल के दौर में टाइम नहीं किसी के पास, बिल्कुल, कि कोई किसी को कॉल भी कर ले, तो जाना तो बहुत दूर की बात है। आप किसी से मिलने तभी जाते हैं जब यहाँ पर चाहत होती है। जब तक यहाँ चाहत नहीं ना, तो आप
नहीं सफ़र करेंगे, नहीं टाइम निकालेंगे उससे मिलने के लिए। तो जब कोई आपसे मिलने आता ना तो उसकी कदर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हाँ ये है, ठीक है नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट पोस्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।